सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्नैकी चटनी। इसका नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये स्नैक्स के साथ खाई जाती है, और वैसे भी पराठे के साथ और आप खा सकते हैं, और स्नैक्स के साथ ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। इस चटनी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेस्टोरेंट में जो चटनी मिलती है स्नैक्स के साथ, उसको भी मात करेगी, और जब आप इसे बना के खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्नैकी चटनी। स्नैकी चटनी बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पुदीना लिया है, अभी बहुत अच्छा आ रहा है पुदीना इस मौसम में। तो पुदीना और धनिया जो मैंने लिए हैं, दोनों बराबर मात्रा में ले लिए। पुदीने की मैंने डंडी हटा दी और धनिया को मैंने डंडी के साथ ही रखा है, तो इसकी डंडी में अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में मैंने दो छोटी हरी मिर्च काट के रखी, क्योंकि इसके अंदर हम लाल मिर्ची वगैरह और नहीं डाल रहे, क्योंकि इसको हरा ही रखेंगे। तो इसमें मैंने डाली है दो हरी मिर्ची छोटी, तो आप जिस हिसाब से खाते हो अपनी मिर्ची वगैरह तो उस हिसाब से डाल लें। और यहाँ पे मैंने कैरी ली है, अभी कैरी का मौसम है और कैरी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैरी का टुकड़ा काट के, उसको दो टुकड़े मैंने काट लिए, और उसको हल्का सा छिलका ऊपर से उतार के और मैंने काट के रख दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसके हम इसमें खटाई डालेंगे जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी इसके अंदर। और यहाँ पे थोड़ा नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा इसके अंदर हम, क्योंकि स्नैक्स के लिए बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला इसको चटपटा लुक देने के लिए, और साथ ही साथ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। चटनी को बनाने के लिए हमने ये पुदीना है उसको काट के थोड़ा सा धो लिया, ताकि काटा इसलिए है ताकि आराम से पिस जाता है। और धनिया को भी थोड़ा काट लिया, इसमें डंडियां वगैरह होती तो पिसने में दिक्कत होती, तो ये दोनों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया दोनों को, साथ में ये हरी मिर्ची यानी कि ग्रीन चिली हम डाल देंगे, और ये जो चटनी है हमारी बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट बनेगी। वैसे नॉर्मली स्नैक्स के साथ जो खाते हैं हम, दही वगैरह डाल के बनाते हैं या अमचूर डालते हैं, तो इसमें मैंने दोनों का प्रयोग नहीं किया है, टमाटर भी नहीं डाला है। साथ में मैंने डाली कैरी, जो भी मौसम भी है कैरी का, और बहुत ही अच्छा इसको स्वाद देगी ये, तो कैरी के टुकड़े डाल दूंगी मैं। साथ में स्वाद के अनुसार नमक, तो नमक डाल देंगे हम, और ये थोड़ा सा चाट मसाला, और ये जीरा, इन सबको हम पीस लेंगे। यदि थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो पीसने में तो हल्का सा पानी डाल लें इसके अंदर। तो आइए चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं। लीजिए, हमारी ये चटनी तैयार हो गई है, तो अब इसको हम प्याली में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी चटनी बनके तैयार है, और बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है ये। आप किसी भी स्नैक्स के साथ, जैसे पनीर टिक्का है या फिर टिकिया है, या और भी कोई स्नैक्स आप बनाते हैं नमकीन के रूप में, जैसे कोई भी स्नैक्स हो, तो आप उसको इसको इसके साथ जरूर रखिए, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आप चाहें तो यदि अच्छे से नहीं पीसी है, थोड़ी सी पतली है, तो आप उसको छान सकते हैं चटनी को। कई बार रेस्टोरेंट में होता है कि चटनी को मोटी छन्नी से छान के रखते हैं, ताकि उसमें कुछ भी मोटा कुछ रह गया हो तो वो नहीं आता है। और वैसे ये बारीक पिस गई तो मैंने इसे नहीं छाना है, आप चाहें तो छान के रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, और आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे कई बहुत से स्नैक्स हैं जिसके साथ आप इस चटनी को खा सकते हैं। पनीर टिक्का है, कटलेट है, पकोड़े हैं, चीज बॉल्स है, कोई भी स्नैक आप बनाते हैं घर पे, तो ये चटनी आप जरूर बनाइएगा और इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमागणी। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुक बुक चैनल को, और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।